गुड मॉर्निंग गाइस गाइस, अभी जो मेरे पास है जियो एप 220 और इसके अंदर आपको जो सिम नो सिम कार्ड का प्रॉब्लम है आप देख सकते हो ऐसे। तो ये फ़ोन अभी अभी आया है मेरे शॉप पे, तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा ये नेटवर्क सिम जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, सिम का जो प्रॉब्लम है कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले आपको अगर आपके पास ऐसे कोई फ़ोन आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इससे IMEI नंबर सबसे पहले आपको चेक करना है। कोई भी सेट अगर आप नेटवर्क इशू के लिए आए तो IMEI नंबर आपको चेक कर लेना है। दोस्तों स्टार हैज़ एक मिनट, अरे है 0 स्टार हैज़ स्टार हैज 0 स्टार हैज फेलियर कुछ दिखा रहा है। तो भाई सॉरी, जो कोड जो गलत डायल हो गया था, तो स्टार हैज स्टार 06 हैज, जब भी आप स्टार हैज 06 है वही IMEI कोड दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब स्टार हैज 06 हैज। हाँ देख सकते हो ये जो IMEI नंबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो कुछ ए मैंने कुछ एक रखा, आप देख सकते हो IMEI नंबर, तो इसका मतलब इसका जो नेटवर्क जो जो फ़ोन में इसका जो हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इसको आई तो आपको सबसे पहले आपको करना है ऐसे, अब उसके बाद आपको मैं इसका आपको आप लोगों के साथ कर लेता हूँ डिसअसेंबली। डिसअसेंबली करते हुए देख लीजिए ये जो सिम जो लगा हुआ रहता है, इसका जो मॉडल है F220B। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको निकालते हैं सिम और आपको दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, आप इजली स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सिम और इसके बाद इसको ओपनर से इसको इसका कूका मैं ऑलरेडी इसको निकाल कर रखा था इसलिए क्योंकि आपका वीडियो जो थोड़ा सा शॉर्ट हो सके। तो इसके बाद आपको ऐसे करके आपको ओपनर से आपको निकाल लेना है इसका। तो अब देख सकते हो दोस्तों, कुछ काम करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये जो है सबसे पहले आपको कोई भी सिम जब भी आप सिम का इशू आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर मल्टीमीटर दिखा दूँ। हाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिम को अच्छी तरीके से आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए, मतलब इसके अंदर कितने वोल्टेज है। तो सबसे पहले मैं ये जो 6 पिन है आप देख सकते हो, 6 पिन सबसे पहले तो मैं मल्टीमीटर कर लेता हूँ चार्जर मोड पे, ये बीप कर रहा है आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, रेड टू आपको आपको ग्राउंड पे रख देना है, कोई भी ग्राउंड करके रख देना है, इधर से मैं रख देता हूँ। और इसके बाद आपको 1x1 पिन आपको चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 6 पिन है इसके अंदर, तो 6 पिन सबसे पहले आपको चेक करना है। तो सबसे पहले पिन नंबर 1, तो सब पिन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, आपको वैल्यू शो करना चाहिए, और जो ग्राउंड है ग्राउंड पे तो आप जानते हो कोई कोई वैल्यू से नहीं करते, तो सब पिन के अंदर आपको सॉरी तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब है, तो वैल्यू शो करना चाहिए। तो फर्स्ट पिन पे आपका जो वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो नंबर 2 पे दिखा रहा है 4440, आप देख सकते हो। तो नंबर 2 पे जो पिन है, सबसे पहला पिन है आपका जो VCC, और नंबर 2 पे जो है आपका जो रिसेट रिसेट पिन है, और नंबर 3 पे है CLK यानी डाटा, तो ये भी आपको 436 दिखा रहा है, तो ये भी सही है। और इसके बाद नंबर 4 आपका जो है ग्राउंड, अब देख सकते हो ग्राउंड पे बिप करेंगे ये ग्राउंड, मैं ग्राउंड भी इसको लगा रखा। और नंबर 5 है VVP, तो अगर आप सिम सॉकेट अच्छी तरीके से देखते हो तो 6 पिन ही आपका सिम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए ये पॉइंट है। और नंबर 5 6 पे है आपका जो डेटा,
डेटा भी लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इसका जो वोल्टेज पॉइंट और इसके साथ भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, तो ये लाइन ब्रेक है। तो आइए देखते हैं कहाँ से ये लाइन ब्रेक है। और इस सिम ट्रे के अंदर आपको जो 1.8 वोल्ट आना चाहिए, अगर 1.8 वोल्ट नहीं आएंगे तो आपका सिम काम नहीं करेंगे। तो इसके पहले आपको मैं आपको चार्जिंग पे लगा के भी दिखा देता हूँ। 20 वोल्ट सेट कर देता हूँ, 20 वोल्ट सेट करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो मैंने चार्जिंग को लगाया है इस पिन के अंदर, आप थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, लगा दिया। और इसके बाद अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको इस पिन पे वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो अब देख सकते हो 0.0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पिन को वोल्टेज आना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये लाइन आपको देखने को मिलेंगे सीपीयू के पास से आता है वोल्टेज पावर आईसी के साथ, पावर आईसी से होते सीपीयू के साथ में पावर आईसी के होकर आपको इस लाइन इस पॉइंट पे आता है। तो ये जो रजिस्टर आप देख सकते हो 0 ओम्स का रजिस्टर है, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्टर को चेक करके। ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, इसीलिए इसका जो बीप करेंगे तो आप मल्टीमीटर से फोकस करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये रजिस्टर भी ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे लाइन यहाँ पे जोड़ते हैं, तो ये भी ठीक है, शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो आप। तो ये भी ठीक है, आप थोड़ा सा और जूम करेंगे। तो ये भी ठीक है। तो हम इसका मतलब ये कैन खोलना पड़ेगा। स्कैन के अंदर से इसका जो लाइन है, लाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्कैन को निकल देते हैं। और ये नेटवर्क आईसी है, देख सकते हो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ। ये नेटवर्क आईसी है और ये सेकेंडरी लाइन से आपको आपका वीपीएच तो बन रहा है। तो इसका मतलब आप सेकेंडरी लाइन से इसका जो 1.8 वोल्ट अगर आप इधर से दे देते हो तो आपका जो काम बन जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके देखते हैं 1.8 वोल्ट कहाँ से आ रहा है। तो इसके आसपास कोई कंपोनेंट के साथ अगर 1.8 वोल्ट आ रहा है तो उससे जम्पर कर देंगे। तो जम्पर करने से आपका जो काम बन जाएगा। तो ये इधर पे आप ले सकते हो, कोई भी कैपेसिटर के अंदर जिसके अंदर आपको 1.8 वोल्ट दिखा रहा है तो उसके साथ आप ले सकते हो। तो अगर इसका लाइन आपको देखना होगा तो ये पावर आईसी से, सॉरी, ये सीपीयू के अंदर से ये पावर आईसी होके ये लाइन जो आते हैं, तो इसको लाइन थोड़ा चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू तो दिखा रहा है, नहीं। तो इसका मतलब कहीं से भी आपको 1.8 वोल्ट आपका जंपर करना है, जंपर करके ये आपका जो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं कहाँ पे जंपर करते हैं। मैं एक पॉइंट थोड़ा सा आपको पहले देख के रखा था, और तो इस पॉइंट पे अगर आप जंपर करने से ये फॉल्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप इजीली कभी कभी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आए ए 220 के अंदर तो आप इजीली इसको जंपर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जम्पर ले लेता हूँ। ये है, जितने भी जम्पर एयर है, जम्पर एयर अगर आप जितने भी थिकनेस लेंगे, मतलब जितने भी फाइन लेंगे तो उसका काम आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले जम्पर एयर उसको कर लेते हैं काटिंग इधर से, और आपको मैं इसको जम्पर करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे करके अगर आप काम कर लेते हो तो आपका जो काम 100% बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको थोड़ा सा, तो मल्टीमीटर को थोड़ा साइड में रख देता हूँ।
इसका जो काम हो गया मल्टीमीटर का, तो अभी जो है थोड़ा सा, अभी जो है भाई मेरा आयरन अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज आना चाहिए तो इस पॉइंट पे, और इधर से मैं जम्पर कर देता हूँ इस कैपेसिटर के साथ, आप देख सकते हो इस कैपेसिटर पे कि दोस्तों लाइन इधर से ही आ रहा है, लाइन जो है इधर से ही आ रहा है, तो इससे करना है जम्पर। इधर से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ले लेना है और इसके सेफ्टी के साथ इसको फिक्स करना है। अगर ठीक से आप अगर फिक्स नहीं करते हो तो आपका जो काम बाद में ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से आपको कर लेना है इन, यहाँ पे इन कर लेना है, तो थोड़ा सा आपको आसानी से काम करना होगा। हाँ, और इसके बाद आपको थोड़ा सा ये रजन, मैंने इसको थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ रजन, इसके बाद आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका वीसीसी का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आपको जम्पर करना होगा। और ये वीडियो मैंने एडिट नहीं करूँगा कि दोस्तों ये वीडियो जितना भी लाइव मैंने आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उतना ही लाइव था, अगर मैं एडिट करके कुछ इधर उधर कर दिया तो, अगर इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट बिना एडिट के ही छोड़ूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका लाइव एक बहुत ही अच्छा, अब जियो से जो नेटवर्क का जो इशू है आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों लाइव मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, एडिट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, फास्ट फॉरवर्ड और मोड में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो काम आपका जो 100% होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में थोड़ा सा टाइम लेकर आपको देखना होगा। तो ये जो रजन का थोड़ा सा मैं कर देता हूँ क्लीन, आप देख सकते हो, और इसके बाद ये मैंने लगा दिया है, सबसे पहले इधर से लगाते हूँ और इसके बाद आपको ये सिम कार्ड बिना एडिट किए ही मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो। आइए देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं ओपन, ओपन करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आप कभी भी आप अपना एप 220 का जो अगर आप नो सिम कार्ड इशू या नेटवर्क इशू आए तो इधर से आप जम्पर कर देना, आपका जो काम 100% फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके सामने ही देखेंगे मैं इसका जो रिजल्ट क्या है, अगर रिजल्ट सही आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आते तो और भी स्टेप है। तो आइए थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जियो फोन जो थोड़ा सा प्रोसेस बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो बूट का जो टाइम है ये अदर फोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका बूट होने देते हैं। अभी तक तो नहीं आया लेकिन आना चाहिए था, अगर सिम का कुछ इधर उधर हुआ तो सिम का थोड़ा गाइस देख सकते हो ये थीम थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं लगा था, तो इसलिए ये जो नेटवर्क आ गया है। तो इजीली ऐसे आप ये काम करके आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो अपना
सिम का जब प्रॉब्लम फिक्स, थोड़ा सा मैं लाइट इसको बढ़ा देता हूँ, अब देख सकते हो ये रनिंग में है। लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, आपका जो नेटवर्क आ जाएंगे, तो ऐसे करके आप इजीली अपना जो नेटवर्क इशू फिक्स कर सकते हो।